हाँ जी, अगर आप हैं सीए या सीएम में इंटर के स्टूडेंट्स, मतलब आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं और आपने जस्ट अभी नवंबर और दिसंबर एग्जाम दिए हैं, तो ये वीडियो आपके होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करूंगा फटाफट से बता देता हूँ आपको, अपनी प्रिपरेशन अगले ग्रुप के लिए, चाहे आप ग्रुप वन है या ग्रुप टू में है और पेपर खराब गए हैं, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए वो मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस को लेकर क्या गाइडेंस है, कि ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, मेरी साइड से क्या गिफ्ट है इसका, मतलब आपकी मई 2024 या जून 2024 की प्रिपरेशन में मैं इस बार क्या हेल्प कर रहा हूँ वो लास्ट में डिसाइड करूंगा। छोटी सी चीज एक बता दूं बस, मैं उसके लिए मैं आपके लिए बैच लेके आऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, 100% स्टडी मटेरियल ओरिएंटेड, मतलब सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और वो यूट्यूब पे ही कराऊंगा और वो फ्री होगी हर एक चैप्टर की। कमेंट बॉक्स में बस आपको सब्जेक्ट बताना है, लास्ट में मैं जो आपको ऑप्शन दूंगा कि दो सब्जेक्ट में मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि किसका आप ये जो बैच है ये चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टारगेट्स भी दूंगा कि आपके कम से कम मुझे इतने स्टूडेंट्स चाहिए, जिसको जो कमेंट करके ये बताएंगे वीडियोस पे कुछ परसेंटेज का लाइक एक बार डिस्कस कर लेंगे। प्लस मैं बताऊंगा कि दो सब्जेक्ट में मैं आपको ऑप्शन दूंगा, जो सब्जेक्ट मेजोरिटी बच्चे बोलेंगे मैं उस सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के सॉल्व करके आपके लिए लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा एक चैप्टर वन शॉट की तरह ही डालूं, जैसा कि मैंने पहले डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मटेरियल कॉस्टिंग होता है, कॉस्टिंग के अंदर उसका चैप्टर मैंने डाला है, तो आप वापस से चेक कर सकते हैं। उसी तरीके की कुछ वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊंगा। अब मैं फटाफट से आता हूं, मैंने कम्युनिटी पोल पे एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि बताइए आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जिसमें जो मैक्सिमम वोट्स थे हमारे, जो ऐसा मान के चलिए हमने मटेरियल कॉस्ट मैक्सिमम वोट्स, चार ऑप्शन हमने दिए थे इसके अंदर, फाउंडेशन की क्लासेस को लेके भी हमने डाला था, तो जो मैक्सिमम 80% प्लस वोट आए हैं वो आए हैं हमारे सीए और सीएम में इंटर की प्रिपरेशन, बताइए हमें मई 2024 की किस तरीके से करनी है। तो पहली चीज आती है इसके अंदर ऑनेस्ट सवाल आपका कि आप प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दें। तो जो सीए वाले बच्चे हैं मेरे हिसाब से उनके पास इनफ ब्रेक हो चुका है, अगर आपके जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अगर वो हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर लेना, जो जो चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अप्लाई इसी तरीके से करनी है कि आपको अब प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। तो पहली चीज तो अपने आपसे आपको एक सवाल पूछना है कि आपको ट्रू रहना है अपने अपने साथ, कि मतलब पेरेंट्स को तो आपने बता दिया होगा कि पेपर अच्छा गया है क्या गया है, लेकिन असलियत आप जानते हैं कि आप क्या लिख के आए हैं पेपर में, अगर आप ग्रुप वन के स्टूडेंट हैं तब भी और अगर आप ग्रुप टू के स्टूडेंट हैं तब भी। तो आप प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर दें, तो मेरे हिसाब से आपका अगर पेपर हुआ है खराब, अगर आप ग्रुप टू के हैं या ग्रुप वन के हैं, ग्रुप वन के हैं तब भी अगर आपका पेपर अच्छा भी हुआ है तभी भी आपको प्रिपरेशन कर देनी है आज ही से शुरू। कोई भी अटेम्प्ट, चाहे आप अगला मई और जून देने वाले हैं या कुछ बच्चे प्लान करते हैं कि हम तो जी पहले 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद हम प्लान करेंगे कि कौन सा अटेम्प्ट देना है, मतलब दिसंबर अटेम्प्ट देंगे, दोनों ही केसेस में, चाहे आप मई और जून वाला अटेम्प्ट दे रहे हो तब भी, चाहे आपने दिसंबर अटेम्प्ट प्लान किया है तब भी, नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट जो आपका होता है, दोनों ही केसेस में आपको प्रिपरेशन कर देनी है अभी स्टार्ट, दिस इज द राइट टाइम। आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, कोई चीज रिसर्च करने का, किसी क्लासेस को ट्रायल लेने का, सारी चीजों का टाइम अभी है। अगर आपने उस पढ़ाई के जोन को खो दिया जो आप एग्जाम के समय में थे, तो उसे वापस लाने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे और फिर वो चीजें हो जाएंगी खराब। तो आपको पहला सवाल यह था कि वेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, आंसर इज राइट नाउ, आपको सर्च कर देनी, चालू कर देनी है। अगर आप ग्रुप वन के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपने ग्रुप वन के पेपर दिए हैं और आपके ग्रुप वन के पेपर अच्छे नहीं हुए, आप अगर 100% श्योर हैं, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूं आपसे, अगर आप हैं ग्रुप वन के स्टूडेंट और आपके ग्रुप वन के पेपर, दो चीजें हो सकती हैं ग्रुप वन के पेपर, चाहे सीए वाले हैं चाहे सीएमए वाले, दोनों के लिए चीजें एप्लीकेबल है। अगर आप ग्रुप वन के पेपर अभी देके हटे हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज है कि आपके पेपर कैसे गए होंगे। तो अगर आपके पेपर गए हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मतलब आप खुश हैं और आप श्योर हैं कि आप पास हो जाएंगे, या फिर दूसरी वाली सिचुएशन है कि आपको पता है कि क्या नाम है पेपर बहुत खराब गए हैं। एक तीसरी सिचुएशन भी होती है जिसमें आपको पता नहीं होता, कि मतलब हमें नहीं पता कि हमारे पेपर कैसे गए, हम तो रिजल्ट करेंगे, वेट करेंगे रिजल्ट का। अब तो ग्रुप वन वाले बच्चे जो बिल्कुल श्योर शॉट हैं, जिनका पेपर अच्छा गया है, उनके लिए मेरी सजेशन है कि आप ग्रुप टू की स्टडीज शुरू कर दीजिए। कहाँ से शुरू करनी है इस पे मैं अभी आऊंगा कि कहाँ से क्लासेस लेनी, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पीडीएफ में दिखाया था ऑनलाइन ऑफलाइन क्या सही रहेगा। दूसरा, अगर आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज वाले बच्चों के लिए भी मेरा सजेशन सेम है कि आप ग्रुप टू के किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। उनके लिए मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो ग्रुप टू के बच्चे कोई भी दो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, उसे पढ़ाई करना कर दीजिए स्टार्ट। अगर आप ग्रुप टू का पढ़ लेते हैं और नेगेटिव रिजल्ट आता है तब भी आपकी कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि 2 महीने तो वैसे भी खाली होकर टाइम पास करने वाले थे, इससे आपने अच्छा, और सब्जेक्ट बताऊंगा मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ने से आपकी ग्रुप वन की प्रिपरेशन पर कोई हैम्पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जो ग्रुप टू के बच्चे हैं मेरे हिसाब से वो कौन से सब्जेक्ट तैयार कर देने चाहिए, एक टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब एक सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक है आपका ऑडिट।
मेरे हिसाब से जो बच्चे चाहे सीएमए वाले हों चाहे वो सीए वाले हों, अगर आप अपनी ग्रुप टू प्लान कर रहे हैं तो आप अपने ग्रुप टू में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिट को कर लीजिए शामिल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग के जैसा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं खुद पढ़ाता हूँ पर्सनली। आप भी क्लासेस अगर बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक वगैरह सारी चीज समझाऊंगी कि क्या कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हैं, और शॉर्ट शॉर्ट पेपर आता है, आप चाहे रिव्यू में जाकर देख लीजिए या सॉल्यूशन में जाकर देख लीजिए। फिर आते हैं ऐसे बच्चे जो जो बिल्कुल श्योर है कि आप ग्रुप वन के अंदर फेल ही होने वाले हैं, लेकिन आप इस सच्चाई को क्या करते हैं पेरेंट्स से छुपाना चाहते हैं और रिजल्ट मतलब जब तक रिजल्ट आए उसे डिले करना चाहते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, पेरेंट्स के सामने ट्रू हो जाइए और बोलिए कि मेरे पेपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए, चाहे आपने सेल्फ लिया या कहीं से क्लासेस ली है ऑनलाइन और उसमें से कुछ नहीं आया जहां से आपने पढ़ा है। सभी केसेस में आपको फिर से ग्रुप वन की क्लासेस शुरू कर देनी है। जो भी बच्चे ग्रुप वन के इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप ग्रुप वन के अंदर हैं और ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स आप कोई भी हमारे से परचेस करना चाहते हैं और आपने ऑलरेडी कहीं से क्लासेस ली हुई है या आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो आपके पास होगा एडमिट कार्ड जो आपने पेपर दिए हैं। आप बस एडमिट कार्ड जो नंबर आपको दिया जाएगा स्क्रीन पे यहां शो हो रहा होगा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना एडमिट कार्ड, तो जो भी क्लासेस हमारे यहां पर जो भी प्राइसेस होंगे वो आपको फ्लैट 50% पे मिल जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ आधी फीस पे करनी है, पहले तो फीस ही बहुत कम है और उसकी भी आधी पे करनी है अगर आपने ऑलरेडी कहीं पैसे बर्बाद किए हुए या आपने सेल्फ स्टडी से दिया था किसी भी रीजन की वजह से आप सोच रहे कि दोबारा इतने ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, तो ये 50% पे मैं आपको क्लासेस बाय करा दूंगा। डिटेल मतलब उसका कोड वगैरह क्या होगा वो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। तो ये है ग्रुप वन वालों की स्ट्रेटेजी। अच्छा पेपर गया उसी केस में भी, पता नहीं है उसी केस में भी, खराब के केस में भी, सभी चीजों के केस में आपको यहां से स्टार्ट कर देना है। अब बारी आती है ग्रुप टू वालों की कि ग्रुप टू वाले बच्चे क्या करें, तो मैं यहां पर डालता हूं कि ग्रुप टू वाले बच्चे क्या कर सकते हैं। ग्रुप टू में मैं सिर्फ दो ही चीजें बता रहा हूं, दो कौन कौन सी, एक तो आपका पेपर बहुत खराब गया है, आपको पता है आप फेल होने वाले हैं, दूसरा आप कंफ्यूज हैं। दोनों ही केस में मैं बताऊंगा ये आपको पता नहीं है कि पेपर कैसे, अगर आपका पेपर बहुत श्योर शॉट गया आप ग्रुप टू के अंदर है, आपने सीधा जो भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए आपको पता है आर्टिकलशिप वगैरह के लिए आपको अप्लाई करना है, आप सीधा जाके अप्लाई करिए, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिससे अब आगे क्या करना है। अगर आप कंफ्यूज हैं आप दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप कंफ्यूज है मान के चलिए कि श्योर शॉट है कि वो नेगेटिव हो सकता है रिजल्ट, तो अगर आप श्योर शॉट है कि नेगेटिव है तो आप स्टार्ट रीस्टार्ट कर दीजिए दोबारा से प्रिपरेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो क्लासेस ली थी वो सही जगह से ली थी, बस मैंने ही पढ़ाई ढंग से नहीं की है या मेरी ही तैयारी ढंग से नहीं थी, उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। रिवीजन अपने टीचर्स जहां से आपने क्लासेस ली उनके रिवीजन लेक्चर्स मांगिए, टीचर के टच में आइए, और अगर आपके टीचर आपके टच में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कई टीचर ऐसे करते हैं कि क्लासेस मतलब अपनी सेल करके उसके बाद बच्चे से टच में नहीं रहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो मुझे बताइए, टीचर का नाम बताएं ना बताएं वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, अगर आप डाउट में हैं तो डाउट में वाले बच्चों के लिए मैं ऐसा चाहता हूं कि आप पर्सनल लेवल पर रिवीजन कर दीजिए शुरू। और दोनों ही केस में मैं एक चीज आपको बताता हूं कि अगर आप चाहे डाउट में हैं पेपर खराब गया है, जो लोग ये सलाह देते हैं कि आप तब तक कर लीजिए ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप, और आर्टिकलशिप के बाद समय में आप देखिएगा कि अगर खराब आ गया तो आर्टिकलशिप में लास्ट के 1-2 महीने की छुट्टी देके तो जो आर्टिकलशिप वाला स्कैम है वो कर दीजिए खत्म। 1% भी डाउट है ना आपके अंदर कि मुझे पास होऊंगा या होंगे या नहीं होंगे, आर्टिकलशिप पे बिल्कुल मत चले जाइए, वो एक दलदल है। अगर आपके एग्जाम सब तक चल रहे होंगे मेरा ये मानना है आप फंसे रहेंगे उसके अंदर। अपने आप को 6 महीने दीजिए, एडिशनल 6 महीने दीजिए, पूरी तैयारी के साथ पेपर दीजिए और आप श्योर शॉर्ट पास हो जाएंगे। आर्टिकलशिप वाले स्कैम की आर्टिकलशिप कर लो, वहां से छुट्टी मिल जाती है, वो पढ़ाई हो जाती है, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप फेल हो गए तो आपको पूरे 6 महीने चाहिए पूरे डेडिकेटेड प्रैक्टिस के लिए, तब जाके आप पास करेंगे, स्पेशली जब नया सिलेबस आपका एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये है आपका वेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। मैंने ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों वाले बच्चों से बात की। फिर आते हैं गाइडेंस फॉर क्लासेस। गाइडेंस फॉर क्लासेस का मतलब क्या है, सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आपने पहले ही किसी से क्लासेस ले रखी है ऑनलाइन वगैरह तो आपका एक्सपीरियंस पता चल गया होगा ओके कि वो लोग सपोर्टिव है या नहीं है, या वैरायटी ऑफ अगर टीचर्स की आपने क्लास ली हुई है तो किसकी टीम सपोर्टिव है किसकी टीम सपोर्टिव नहीं है। अगर टीचर आपके एग्जाम तक आपके पास लगा हुआ है, आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है डाउट वगैरह चीजें बता रहा है, या बहुत ज्यादा बड़े टीचर्स पे मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है बेस्ट टीचर है तो जाना चाहिए तो चले जाइए, क्योंकि कई सारे टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि डाउट ही नहीं आता तो टीचर का आपका पर्सनल कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आज की डेट में बच्चे का जो माइंडसेट है प्लस जो सोशल मीडिया वाली लाइफ है प्लस बच्चे का माइंडसेट है वो कंफ्यूज है, चार चार सब्जेक्ट है, वरना टीचर क्या करते हैं एक क्लास दे दी भाई मुझे तो इससे मतलब है। आपको एक ऐसा मेंटर चाहिएगा जो आपकी चारों क्लासेस की प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ करे, तो कहीं से भी क्लासेस ले एक टीचर जरूर ऐसा रखे जो आपकी हर चीज में हेल्प करे जहां आप फंस जाएं। ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो बता दीजिए कि जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, जो लास्ट का 1 महीना होता है जहां एग्जाम चल रहे होते हैं वहां पर बच्चा जो जंग है वो हार जाता है, पढ़ते समय बच्चा जंग नहीं हारता है, वो 3 घंटे में नहीं हारता, जो लास्ट के 2 महीने जो मैनेज करना होता है पढ़ाई को कुछ स्ट्रेटजी के साथ वहां पर बच्चा जो है फेल पास डिसाइड हो जाता है, ना कि पेपर के अंदर बैठ के। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्लासेस में मेरे हिसाब से आपको
क्या करना चाहिए, पहली प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस को। आपके आसपास अगर कोई ऑफलाइन में पढ़ा रहा है प्लस उनका रिजल्ट अच्छा है, पूरा टाइम देते हैं वो आपको, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें जो भी उन बच्चों के जो वहाँ से पढ़े हैं उनके रिव्यूज़ हैं वो ले लीजिए, कुछ एक्सपीरियंस ले लीजिए, वहाँ पर ट्रायल क्लास देख लीजिए। पहली प्रेफरेंस मैं हमेशा दूंगा ऑफलाइन क्लासेस जिसमें आपका टीचर आपका नाम जानता है, आपको जानता है, आपकी क्या वीकनेसेज है, क्या स्ट्रेंथ है वो जानता है, जो बेसिक तरीका है 11th 12th में पढ़ने का, अगर उसी तरीके से आपको सीए में भी पढ़ाया जाए या सीएमए में भी पढ़ाया जाए तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे मेरे हिसाब से। जितना ही जैसे ही हम फाउंडेशन से इंटर में या 12th से फाउंडेशन में आते हैं, जितने बड़े टीचर्स के पास आप पहुंच जाते हैं जहां पे आपकी वैल्यू जीरो है और टीचर इतने बड़े हैं, वहां का मैनेजमेंट इतना बड़ा है, तो आप अपने आप को वहां खोया खोया महसूस करेंगे और वहां पर आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से जो 11th 12th लेवल की पढ़ाई होती है इसमें टीचर जो है बिल्कुल सर पे चढ़े रहते हैं, ये करो ये करो करो, एक एक टीचर को नाम पता है आपका कि आप इस ये आपकी स्ट्रेंथ है ये आपकी वीकनेस है, उस लेवल पर अगर आप ला सकते हैं अपनी सीए इंटर की पढ़ाई को तो मेरे हिसाब से आप जाइए ऑफलाइन पे। दूसरा आता है कि अगर नहीं सर हमारे यहां आसपास कुछ नहीं है और सारी चीजें खराब है तो ऑनलाइन करना है आपको। ऑनलाइन में मेरे हिसाब से आपको ऐसा टीचर चाहिए कि जब आपको डाउट हो, जैसा कि हमारे बच्चे भी करते हैं, वो डाउट में वो अपनी टीम को ना रखे कि जी हमारी टीम वाले आपके डाउट क्लियर करेंगे, आंसर इज नो। जो आपको पढ़ा रहा है वही बेस्ट समझ सकता है कि आपको डाउट क्या है और कितने और क्वेश्चन समझा के आपको वो डाउट क्लियर किया जा सकता है। ऑनलाइन में बस आपको एक ही चीज पता करनी है कि अगर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है क्या वो आपका 1-to-1 सेशन रखकर डाउट क्लियर कर रहे हैं, बस ये रिक्वायरमेंट आप चेक कर लीजिए। ये रिक्वायरमेंट अगर आप उनकी टीम से पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ हमारे सर करते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट आप उनकी टीम कभी भी सही आंसर नहीं देगी। आपको पूछना है उनके जो बच्चे पहले से पढ़ रखे कि उन्होंने क्या किया, क्या उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो इन जनरल अगर किसी टीचर से या किसी क्लासेस से आपका गलत एक्सपीरियंस रहा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उन क्लासेस का नाम लिख दीजिए, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं आपकी क्या प्रॉब्लम रही वहां पर वो इन चीज से एक्सपीरियंस कि गलत टीचर से क्लासेस बाय ना करें। तो ऑनलाइन अगर आपको देखनी है तो सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि क्या टीचर 1-to-1 आपके डाउट कोई सेशन रख के या जूम पे कुछ भी रख के या फोन कॉल पे किसी भी तरीके से 1-to-1 क्या डाउट सॉल्व कर रहा है। डाउट सॉल्व करने का तरीका क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप डाउट सॉल्व करने का तरीका नहीं है, व्हाट्सएप डाउट को पहुंचाने का तरीका है। टीचर अगर आपको मैसेज में करके डाउट बता रहा है वो नहीं है टीचर से 1-to-1 कॉल, 1-to-1 वीडियो कॉल, 1-to-1 सेशन अगर टीचर कर रहा है तो ही आप ऑनलाइन में कामयाब हो पाएंगे। अगर कोई ऑल इंडिया लेवल के बेस्ट टीचर है फिर आप बोलोगे सर उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप वहां से बच्चों के रिव्यू लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि आप वो बेस्ट टीचर है लेकिन आपका लेवल क्या है ये तो आप जानते हैं, आप कितनी जल्दी उस चीज को कैच कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से 1-to-1 वाली चीज जो बच्चा ऑनलाइन में अगर एक्सेप्ट कर लेगा या उसे प्रोवाइड हो जाती है तो जो फेल का रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है मेरे हिसाब से। तो ये मेरी गाइडेंस है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को लेके। नेक्स्ट आता है मेरी साइड से क्या गिफ्ट है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे साइड से गिफ्ट ये है कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके और जो क्वेश्चन उसमें एप्लीकेबल जो कंसेप्ट हो रहे होंगे वो मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। पूरा जो कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स है जो आपको लेना है तो वो आप अलग से बाय कर सकते हैं, नंबर आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहां पर आप कर सकते हैं, पूरी क्वेरी वगैरह ले सकते हैं, क्या प्राइसेस है, किस तरीके से है, अनलिमिटेड व्यूज क्या है, लिमिटेड व्यूज क्या है, आप हमारे डाउट कैसे बताओगे, हमसे कैसे कनेक्ट करोगे डेली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, किसी भी तरीके से वीकली बेसिस पे, हमारे टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करोगे, कोचिंग कहां पर है, जो भी आपको डाउट है स्क्रीन पे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट की है, अगर आपका कोई डिसीजन रहा है गलत क्लासेस बाय करने का तो मुझे कमेंट बॉक्स में उन टीचर्स के नाम जरा एक बार बता दीजिएगा या उन क्लासेस का नाम बता दीजिएगा, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये फाइनलाइज कर ले कि यहां से तो मुझे क्लासेस नहीं लेनी अगर आपका बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपने क्लासेस ली और खुद ही पूरी नहीं देखी और आप ऐसे टीचर का नाम लिख रहे हो कि वो गलत है तो ये चीज आप नहीं करिएगा। पर्सनल लेवल पे आपके क्या डाउट सॉल्व किए गए, क्या आपको टेस्ट सीरीज दी गई, क्या ये सारी चीजें जो जो उन्होंने प्रॉमिस की थी अगर उन्होंने दी है आपको तो ऐसे कोचिंग का भी आप नीचे नाम मेंशन करिएगा, ताकि बच्चों को सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल, पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर सवाल आया कि सर आप ये बैच कौन सा वाला देंगे, तो मैं नीचे दो सब्जेक्ट लिख रहा हूं, आप जिसमें कमेंट ज्यादा करेंगे मैंने लिख दिया कॉस्ट वर्सेस एफएम। अगर आप बोलोगे सर कॉस्ट का बैच डाल दो जिसमें आप पूरा स्टडी मैट सॉल्व करो, जिन बच्चों ने क्लासेस ऑलरेडी कॉस्ट और एफएम की बाय की हो घबराए ना, मैं सिर्फ स्टडी मैट सॉल्व कराऊंगा इसमें और कुछ नहीं। आपको जो मैं क्वेश्चन कराता हूं मैं 50 जगह से क्वेश्चन कराता हूं, इसलिए मैं बताता हूं कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो जो बच्चे फुल फ्लेज कोर्स बाय करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, फुल फ्लेज कोर्स में मैं खुद पर्सनली बताता हूं आपको कि क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता, जितने क्वेश्चन मैं आपको वैरायटी के करा देता हूं वहां पे, तो आप चिंता मत कीजिए। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ भी, तो उनके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है कॉस्ट या एफएम, आपको क्या करना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए मेरे पास एटलीस्ट 100 कमेंट्स आएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन ज्यादा और कौन कम है, कब जीतेगा वो, अगर एक सब्जेक्ट के लिए मुझे पास 100 कमेंट्स आ गए तो मैं उसको उसी दिन से स्टार्ट कर दूंगा, मतलब स्टार्टिंग डेट बता दी मैंने आपको, स्टार्ट तो मैं करने ही वाला हूं,
जैसे ही आप 100 कमेंट्स कर देंगे आपका मैं बैच शुरू कर दूंगा और एग्जाम से बहुत पहले मैं आपको खत्म करा दूंगा और सारी चीजें कोशिश करूंगा वन शॉट वीडियो में मैक्सिमम चैप्टर्स की मैं आपको डाल दूं, जैसा कि नीचे मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मटेरियल में आ जाएगा। लेकिन पहली चीज, और वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं तो वीडियो को मेरे हिसाब से 100 लोग अगर देख रहे हैं तो 100 लाइक्स तो आप मेरे हिसाब से आराम से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम के दौरान हेल्प ली इस चैनल से और आपकी हेल्प हुई है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो डिसीजन और अपना समय वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। कमेंट वाली चीज मैंने आपको बता दी है, एक सब्जेक्ट या 100 कमेंट्स होते ही मैं बैच को स्टार्ट कर दूंगा। तो आप अपना कमेंट करिए, पेरेंट्स के नंबर से करना चाहते करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं जो 100% वीडियो किस क्वालिटी की होंगी, क्या कंटेंट है, कैसे मैं समझाता हूँ, इसका एक डेमो लेक्चर आपको मैंने वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक पर ही बता दूंगा। कोई भी किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुई है, किसी टीचर ऑनलाइन क्लासेस का धोखाधड़ी हुई, तो वो भी आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, मैं अलग से उसके खिलाफ वीडियो मतलब उसके फेवर में ताकि बच्चे थोड़ा सा अवेयर हो जाए वो मैं बना दूंगा। तो ये है मेरे साइड से, जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था, आप अगर कम्युनिटी पोस्ट को मिस कर जाते हैं तो बेल आइकन वगैरह ऑन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और ये टारगेट मेरा है। ये हो गई आज की वीडियो, नेक्स्ट किस टॉपिक पर जाइए वो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूं या ना डालूं आप फिर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।